आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। वो परमपिता परमेश्वर, वो अनंत आज तक जिसने भी उसका नाम रखा है, जिसने भी उस रास्ते पर चलने की कोशिश की है, जिसने भी उस पर कदम बढ़ाया है, जो भी उससे आशा करता है, जो भी उस मार्ग पर चलता है, उसके ऊपर एक न एक दिन उस परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि और कृपा वृष्टि जरूर हो जाती है। आज से एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। कुछ लोग जो केवल दिखावे के साथ खड़े थे, कुछ लोग जो हृदय के साथ खड़े थे, कुछ लोग स्वार्थ के साथ खड़े थे, कुछ लोग प्रेम के साथ खड़े थे, कुछ लोग भाव के साथ खड़े थे, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न भावों के साथ हमारे साथ खड़े थे। लेकिन जो ही उस परमात्मा ने एक पलक की दृष्टि डाली, संसार एकदम से अस्त व्यस्त हो गया और सब कुछ कुछ ही पल लगे, कुछ पल पहले तो बिल्कुल अलग सा माहौल था। सब उस ब्रह्म के विषय पर चर्चा कर रहे थे, सब परमात्मा के विषय पर चर्चा कर रहे थे, सब उस अनंत की कृपा की, मेर की, ताकत की, ज्ञान की, वैराग्य की, सब कुछ अपने ही मुंहों से बड़ाई कर रहे थे। लेकिन कुछ ही पल लगे थे बिल्कुल सब कुछ बदल गया। जो लोग जिस भाव के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जिसका जैसा रंग था उन्होंने अपना पूरा का पूरा रंग दिखा दिया और हम देखते चले गए, बोले कुछ भी नहीं। लेकिन सब कुछ उस परमात्मा की फाइल के अंदर, जो जीव की फाइल थी उसके अंदर सब कुछ लिखा जाता चला गया। हमने कहा था हम नहीं चाहते कि दोबारा से ये काम करें, तो उस परमात्मा ने जो जो हमें बोला था, जो जो हमें कहा था, हम उसके शब्द से कभी बाहर नहीं गए और न ही कभी बाहर जाने की कोशिश की, न ही कभी बाहर जाने की चाहत रखी। लेकिन जो उसे मंजूर था उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से किया, लेकिन हमने मना कर दिया था अब हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हमें हमारे लिए नहीं, जो चला गया था उसके लिए और जो लोग हमारे साथ भाव के साथ प्रेम के साथ और उस दृढ़ विश्वास के साथ जुड़े हुए थे, हम मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो हम बार बार कह रहे थे कि आप अभी चले जाइए और दूर हो जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, भगाने के बाद भी वो लोग नहीं भागे और हमारे साथ जो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, बहुत ज़्यादा हृदय के भी, शरीर के भी, परिवार के भी, ज्ञान के भी, प्रेम के भी, ब्रह्म के भी, परमात्मा के भी,
जो साथी थे, एक एक पल के एक एक अनुभव के गवाह थे, वो भी दूर होते चले गए। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौका तलाश करते हैं दूर होने के लिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौका तलाश करते हैं साथ देने के लिए। अब वो लोग मेरे साथ आ करके खड़े हो चुके थे जो भाव के साथ जुड़े हुए थे, किसी कार्य के लिए नहीं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, केवल उस परमात्मा के लिए, जिन्होंने उसकी शक्ति का अनुभव किया था, जिन्होंने उसकी ताकत का अनुभव किया था। अनुभव तो बहुत लोगों ने किया था, लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हृदय से स्वीकार कर लिया था, कुछ भी नहीं देखते हुए भी, कुछ भी नए अनुभव होते हुए भी, बस हृदय ने स्वीकार कर लिया सत्य क्या है और असत्य क्या है, और सत्य के सहारे आकर के खड़े हो गए। और उस सत्य के सहारे आज हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने एक बात और कही थी कि एक बार हम अपने आप को साबित करेंगे। कुछ निर्दोषों के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े इंजाम लगा दिए गए, तो बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, तो बहुत बुरा व्यवहार हुआ, हम चाह करके भी नहीं रोक पाए। क्योंकि उसकी जो परमात्मा है उसकी मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब समय बदलता जा रहा है, उन्होंने मुझे समय दिया था, कुछ समय और बाकी है, वो समय जब चला जाएगा तो आप सब लोग देख ही रहे हैं बदलाव को, उस प्रेम को, उस परमात्मा को, उसकी ताकत को, उसके खेल को, उसकी रचना को, उसकी गंभीरता को आप लोग अनुभव कर रहे हैं। और जो जितना अनुभव करता चला जाएगा उसके ऊपर उतनी ही कृपा होती चली जाएगी, क्योंकि जो जिस भाव से आता है उसको उतना ही प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग अंदर से भरे होते हैं लेकिन बाहर से खाली होते हैं, उन्हें बाहर से कुछ भी अनुभव नहीं होता, केवल उन्हें आंतरिक ज्ञान होता है, केवल आत्मिक ज्ञान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं और बाहर से संसार से लिपटे हुए होते हैं। बाहर से संसार से हम किसी भी तरह से लिपटे रहे, कितनी ही गहराई तक चले जाए, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। लेकिन जब हम आत्मा की गहराई के अंदर उतर जाएंगे, जब हम समय के अंदर उतर जाएंगे, तभी हमें अपने आप का अनुभव होगा। कुछ लोगों को तो ये भी आभास नहीं है समय क्या होता है, अपने आप क्या होते हैं, आत्मा क्या होती है, अंदर में उतरना क्या होता है, आभास क्या होता है, अनुभव क्या होता है, ध्यान क्या होता है, प्रेम क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है। कुछ लोगों को तो कुछ भी अनुभव नहीं, बाहर से हम कुछ भी दिखाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, बहुत ही गंभीर नजर आएंगे, लेकिन जब हम अंदर तक जाएंगे तो बिल्कुल खाली, वो पात्र बिल्कुल कुछ भी नहीं, पूरा कचरे के अलावा कुछ भी अंदर में नहीं रह पाता। ये बुद्धि ऐसा, परमात्मा ने ऐसा यंत्र लगा दिया है, बुद्धि के अंदर आप देखते होंगे, एक तो वो है जो बोलने का प्रयत्न कर रहा है, वो बोल भी रहा है, एक वो है जो न बोलने का प्रयत्न कर रहा है। ये दो प्रकार के लोग इस संसार के अंदर हैं। आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं, आप अगर बोल देते हैं जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को रोकना उससे बोलने के लिए, उसके उत्तर देने के लिए कितना अंदर अहंकार होगा उस रोकने के लिए, कितना। अगर कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो कुछ तो बोल देते हैं तो भी प्रयत्न हुआ, लेकिन कुछ लोग उसे रोक लेते हैं तो वो उससे भी ज्यादा प्रयत्न हुआ। लेकिन इस संसार के अंदर तीसरी तरह के लोग बहुत कम ही होते हैं जो न बोलते हैं और न रोकने का प्रयत्न करते हैं।
परम स्वरूप के अंदर स्थित हो जाते हैं। ये तीसरी तरह के लोग मिलना बड़ा मुश्किल कार्य है। इस संसार के अंदर ध्यान एक ऐसी ताकत है जिसकी डोर पकड़ करके हम उस परमात्मा तक, उस परम चेतना तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान का वर्णन ये बड़ा गंभीर विषय है। ध्यान का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। ध्यान लगाना इतना कठिन कार्य नहीं है जितना जो ध्यान लगा करके जो प्राप्त हुआ उसका वर्णन किया जा सके, ये लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि जो ध्यान के विषय को जानता ही नहीं, जो उस ब्रह्म के विषय को जानता ही नहीं, जो अनुभव को जानता ही नहीं, किसी ने उस मिठाई का स्वाद ही नहीं चखा, तो किस प्रकार से वो अनुभव कर पाएगा, किस प्रकार से वो समझ पाएगा, कैसे उस ज्ञान को, उस परमात्मा को, उस ध्यान को किस प्रकार से समझ पाएगा? कोई भी उपाय नहीं उसे समझाने के लिए। ध्यान लगाना तो आसान है, आप लोग लगा सकते हैं, बैठिए ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितनी बुद्धि थकती चली जाएगी, जितना शरीर थकता चला जाएगा, जितनी इंद्रियां थकती चली जाएंगी, जितना ये मन थकता चला जाएगा, उतना ही ध्यान एकाग्र होता चला जाएगा। अगर आप इस बुद्धि और मन के थकने से पहले रुक गए तो आप चूक जाएंगे। आपके साथ जो घटना होने वाली थी, जो आप सुनने में जाने वाले थे, वो क्रिया रुक जाएगी और आप उस क्रिया को रोक करके उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए था, जहां आप जाना चाहते थे, जहां के लिए आपने कदम बढ़ाया था। ध्यान का कार्य कोई बाहर की वस्तु को निकालना नहीं है, नहीं ही ऊपर की कोई वस्तु को इकट्ठा करना है। ध्यान का तो केवल एकमात्र कार्य है बुद्धि की जितनी भी जटिलता है, बुद्धि की जितनी भी कठिनाई है, बुद्धि ने जितना भी इस मार्ग को दुर्गम बना दिया गया है, इसको सरल बनाना है। क्यों? ध्यान का इतना सा कार्य है लेकिन समझना बड़ा कठिन है। एक फकीर के पास गए, एक युवक, उन्होंने प्रश्न किया परमात्मा के विषय पर कि परमात्मा का आप वर्णन कीजिए, सात शब्दों के अंदर, कुछ ही शब्दों के अंदर उनका वर्णन कीजिए। बार बार प्रश्न करता रहा। फकीर ने कहा ये असंभव है, परमात्मा का वर्णन शब्दों के अंदर नहीं हो सकता, उसका किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है? वो अनंत है, उसका किसी भी प्रकार से शब्दों के अंदर वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कुछ तो सार समझाइए, क्योंकि न बोले तो भी और बोले तो भी ध्यान एक ऐसी कठिनाई है, अगर न बोलेगा तो लोग उसको पागल समझने लगेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े कर दिए जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल उत्पन्न होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के संशय होंगे और उसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के दोष लगा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि नए जानने वाला, नए समझने वाला कुछ भी बोलने लगता है, सामने जो हो रहा है वो नहीं देख पाता, वो नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि उसकी तो बुद्धि सीमित है, उसका तो दायरा है, उसका तो घेरा बना दिया गया है, उसका तो निश्चित कर दिया गया है स्थान कितना सा है बस, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि अनुभव तो वही कर सकता है जिसने अनुभव किया हो। अगर आपको कह दिया जाए कि प्रेम कैसे किया जा सकता है, तो आप खोजते रहिए पुस्तकों के अंदर, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए पुस्तक, आप पीएचडी तक कर लेंगे तो भी आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्रेम नहीं किया तो उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्म है, वो अनंत ताकत है। अगर आप उसके लिए रोए नहीं, अगर आप उसकी विरह में आंसू नहीं बहाए, अगर आपने उसकी विरह में छटपटाए नहीं, अगर आपने उसकी विरह में तड़प नहीं लगी, अगर आपने उसकी प्रतीक्षा के अंदर, आपके अंदर की आग नहीं जली, तो आपने कुछ नहीं पाया।
पीछे है, जो इसकी डोर पकड़ के चढ़ता चला गया, निखार होता चला गया। वो तो बार बार प्रश्न डालता रहा, सवाल करता रहा, लेकिन फकीर बार बार मना करता रहा। लेकिन बहुत सवाल करने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं एक सवाल एक ही शब्द के अंदर तुम्हारे सवाल का उत्तर दे देता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज जी, आप उत्तर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल एक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कुछ थोड़ा पढ़ाइए, ये तो बिल्कुल एक ही शब्द है, इसे कैसे समझा जा सकता है, इसे कैसे समझें, इसको थोड़ा बढ़ाइए आप, कुछ और शब्दों का वर्णन कीजिए। उन्होंने फिर कहा, ध्यान केवल ध्यान, इन दो शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने तो इसी एक ही शब्द को दोबारा से रिपीट कर दिया, आपने एक ही शब्द को दोबारा से बोल दिया, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, ये तो आप कैसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा और बढ़ाइए, थोड़ा और सार समझाइए और कुछ शब्दों का और प्रयोग कीजिए। उन्होंने फिर कहा, ध्यान ध्यान और केवल ध्यान, वो झुंझला गया। क्यों? क्योंकि अंधकार को ठेस लगती है, जो वो बोल रहा था वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो वो पूछना चाह रहा था, जो उसको मुख से सुनना चाह रहा था, वो बोल नहीं रहा था, क्योंकि फकीर वही बोल रहा था जो सत्य था, सच्चाई थी, लेकिन वो सुनना चाह रहा था जो उसके अंदर में चल रहा था। वो झुंझला गया और फिर प्रश्न करने लगा, ये क्या अर्थ है, आप एक ही शब्द को बार बार बोले जा रहे हैं। फकीर ने कहा, पहले तो उस परमात्मा का उस अनंत का शब्दों के अंदर वर्णन ही नहीं हो सकता है, मैं असमर्थ हूँ उसका वर्णन करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत प्रयत्न करके एक शब्द खोज करके लाया, और इस शब्द को बड़े प्रयत्न के साथ बुद्धि से उतार करके जीवा से बाहर निकाला है, लेकिन तुम इन शब्द को समझ नहीं पाए, इस शब्द को पकड़ नहीं पाए। जब आप उस परमात्मा के सार का वर्णन चाहते हो तो वो सार तो अनंत है, वो अवर्णनीय है, अगर उसका एक शब्द में बोला जाए तो केवल ध्यान है, क्योंकि तो समाधि के अंदर तो विचार होते ही नहीं, समाधि के अंदर तो केवल अनुभव होता है, समाधि को कोई कैसे बोल सकता है, समाधि जो है, जो अंदर में अनुभव किया गया है, उसको भेद करके कैसे दूसरे को दिखा सकता है, ये बिल्कुल असंभव कार्य है। तो कोई ये आशा करता है कि जो देख रहा है, जो कोई अनुभव कर रहा है, कि ये मेरे साथ वाला अनुभव कर रहा है, ये ऋषि महात्मा अनुभव कर रहा है, ये ज्ञानी अनुभव कर रहा है, ये मुझे क्यों नहीं बता रहा, यह संभव है। अगर वो पूरी उम्र भी बोलता रहे, पूरी उम्र एक एक शब्द बोल बोल करके समझाता रहे, तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो समझना ही नहीं चाहते, आप उसको पकड़ना ही नहीं चाहते, आप वहाँ अटक करके खड़े हो गए जहाँ आपका रास्ता है, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, आप जिस सीढ़ी पर खड़े हैं, वहीं खड़े हो करके आप छत की बात कर रहे हैं, आप मंजिलों की बात कर रहे हैं, आप गहराई की बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मांडों की बात कर रहे हैं, आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आप चेतना की बात कर रहे हैं, आप परमात्मा की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप खड़े कहाँ हैं, अपना आधार देखना चाहिए, जहाँ हम खड़े हैं हमें वही बोलना चाहिए, जहाँ हम खड़े हैं वहीं अपने को बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर वाले को देखते हैं या जो हमारे से नीचे खड़े हैं उनको देखते हैं, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, हमारी पकड़ ढीली होती चली जाएगी, शब्द के साथ साथ ध्यान के ऊपर भी
ज्ञान के ऊपर भी, परमात्मा के ऊपर भी, भाव के ऊपर भी, सब कुछ नीचे जाता चला जाएगा। लेकिन अगर ध्यान किया जाए, परमात्मा का स्मरण किया जाए, प्रयत्न किया जाए, आपने देखा होगा बहुत से भक्त उसकी भक्ति के अंदर मीरा की तरह से नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कुछ लोग दौड़ने लगते हैं, कुछ भागने लगते हैं, कुछ गाने लगते हैं। जब वो नाचते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं कि किसी भी तरह से सब की सब इंद्रियों को या बुद्धि को या मन को किसी क्रिया में लगा देते हैं, तो बार बार प्रयत्न करने के बाद जब बुद्धि कार्य छोड़ देती है, ये बुद्धि अपना काम बंद कर देती है, मन के अंदर जो विकार थे, मन के अंदर संकल्प और जो विकल्प भरे हुए थे, वो वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, तो शून्य में प्रवेश हो जाता है। जो ही शून्य में प्रवेश होता है तो फिर विचार नहीं रहता, फिर नाचना भी नहीं रहता, फिर गाना भी नहीं रहता, फिर कुछ भी शेष नहीं रहता, बिल्कुल अहंकार गिर जाता है। जो ही अहंकार गिरता है, शरीर के ऊपर से भी आधिपत्य उठ जाता है, नाचने वाला भी गिर जाता है। लेकिन पहले गिरे तो चूक जाओगे, अगर पूर्णता पर गिरे तो समय को प्राप्त कर लोगे। बड़ा छोटा सा पर्दा जो लगा हुआ है उसको नहीं खोज पा रहे, उसको नहीं हटा पा रहे। जब हम इस पर्दे को हटा देंगे, इस पर्दे को दूर कर देंगे, बिल्कुल बारीक सा भेद है, अगर इसे हम हटा देंगे तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, शून्य में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम भयभीत हैं, बहुत दूर हम उस परमात्मा की सत्ता से, बहुत चाहने के बाद भी हम भटक रहे हैं, बहुत प्रयत्न के बाद भी हम दूर भाग रहे हैं, दूर भागते ही हैं, अग्नि से दूर भागते ही हैं। कारण क्योंकि अग्नि के नजदीक अगर गए तो आप जला दिए जाओगे और अग्नि का रूप बना दिए जाओगे। जो जो नजदीकता बढ़ती है अग्नि की, तो ये माया और जो चलाने लगती है, किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई कारण दे करके, कोई न कोई बहाना दे करके बीच में आ करके खड़ी हो जाती है, वो दूर करने का प्रयत्न करने लगती है। एक युवक महात्मा बुद्ध के पास गया, उन्होंने कहा मुझे आपको गुरु बनाना है, आप मेरा मुझे मेरा ये सब कुछ स्वीकार कीजिए, राज पाठ धन दौलत संपदा जो भी कुछ है, सब कुछ आपके चरणों में डाल दिया गया है, आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। बहुत बड़ी बात होती है कोई गुरु शिष्य को स्वीकार कर ले, शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेते हैं, अनंत अनंत शिष्य हो जाते हैं जो गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि गुरु के बिना किसी की गति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। जीवन चला जाता है, निकल जाता है, हाथ से छूट जाता है, लेकिन जीवन मुक्त लगभग असंभव है। कहीं ना कहीं कोशिश पाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो अपने अहंकार को किसी के चरण के अंदर डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अहंकार हमें इसी प्रकार से उठाए भगाता फिरता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ आपके चरणों में डाल दिया, स्वीकार कीजिए। कुछ मुस्कुराए, कुछ दिन अपने साथ रखा। जो जहाँ से आता है, जो जिस श्रेणी का जीव होता है, जिस परिवार से आता है, महलों से आए या कुटिया से आए, वो अपने आप को भूल नहीं पाता। उसके कुछ न कुछ अंदर में कण रह ही जाते हैं, अंदर में जो भावनाएं विचार रह ही जाती हैं, जब तक वो नहीं निकलती, जब तक वो नहीं मिटती, तब तक मुक्ति बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ा अटकाव रहता है, बड़ा भटकाव रहता है। उन्होंने सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी
यूं तो छोड़ नहीं पा रहा, बार बार विचार उठ रहे, बोल कुछ रहा, कर कुछ रहा, कह कुछ रहा, सब कुछ अलग अलग खेल चल रहा। महात्मा बुद्ध ने अपनी एक शिष्या के पास उन्हें भेज दिया कि जाओ कुछ दिन वहाँ रुको। वो बड़ी उच्च कोटि की साधक थी, बड़ी साधना करती थी, साधना कर रही थी, साधना संसार को कुछ साधना दिखाई नहीं दे रही थी, न ध्यान दिखाई दे रहा था, न कुछ समाधि दिखाई दे रही थी, न कोई मंदिर में जाती थी, न कुछ और कुछ भी विशेष दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आम जीवों की तरह से रहना, इसी तरह से व्यवहार, इसी तरह से जीना, सब कुछ एक आम व्यक्ति की तरह से उनका चल रहा था। लेकिन स्थिति बड़ी ऊंची थी, तो उन्होंने ध्यान को बांधना सीख लिया था, उन्होंने ज्ञान को पकड़ना सीख लिया था, उन्होंने गंभीरता को जान लिया था, उन्होंने मन की चाल को, मन की गति को जान लिया था। जो मन की गति को पकड़ लेता है, सब कुछ निकार होने लगता है, सब कुछ एक सरल बार निकलने लगता है। उन्होंने मन की गति को पकड़ लिया था। वो युवक उस स्त्री के पास पहुंचा, उस स्त्री ने युवक को झुक करके प्रणाम किया कि आओ भिक्षुक, युवक को भिक्षुक बोला जाता है। उन्होंने प्रणाम किया और बैठने के लिए स्थान दिया। जो ही बैठने के लिए उन्होंने स्थान नीचे दरी बिछा दी गई थी, बैठने के लिए स्थान दिया, एकदम से उनके मन के अंदर ख्याल आया कि मैं राजा हूँ, अगर मैं राजमहल में होता तो यहाँ दरी पर नहीं, गद्दे के ऊपर विराजमान होता, सिंहासन के ऊपर विराजमान होता। इतना कहना था कि उस महिला ने कहा कि रुको भिक्षुक, एक पल के लिए रुक जाओ। तो तभी उन्होंने अच्छे से एक सिंहासन लगा दिया और सजा दिया। वो आश्चर्य में हुआ भिक्षुक कि जो मैंने सोचा था वही इस स्त्री ने कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये बड़ा अद्भुत खेल है। लेकिन फिर मन के अंदर चलता रहता है, फिर सोचा कि मैं राजमहल के अंदर नहीं हूँ, यहाँ अच्छा भोजन तो नहीं मिल सकता, यहाँ किस प्रकार से भोजन मिलेगा, ये तो बिल्कुल गरीब औरत है। उसका इतना कहना था कि वो बहुत अच्छा भोजन पका करके, बहुत व्यंजन पका करके ले आई और ले करके उन्हें परोस दिए। जो जो मन के अंदर मिठाइयाँ थी, जो जो उन्होंने सोचा था, वही भोजन सामने, जो ही वही भोजन सामने मिला, वो सकपका गया, वो हड़बड़ाने लगा। जो ही हड़बड़ाहट हुई, उन्होंने कहा भिक्षुक आप भोजन कीजिए शांति के साथ, प्रेम के साथ। जो ही भोजन किया, एक अंदर में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा पवित्र जल होता जिसे जलपान करता। इतना कहना था, वो सोचता चला गया, वो कार्य पूरे करती चली गई। जो जो विचार हुआ, सब के सब कार्य पूरे हुए। लेकिन रात का समय आया, एकदम से विचार हुआ कि बड़े अच्छी तरह से तकिए लगा दिए जाते थे, अच्छी तरह से गद्दे होते थे, बड़े मखमल के बिस्तर लगे होते थे। इतना कहना था कि उन्होंने सब कुछ हाजिर कर दिया, फिर और भयभीत हो गया। सोना तो दूर, आंखें बंद भी नहीं हुई। जो कुछ वो तो सोच रहा था, वही वो स्त्री करता चली गई और वही होता चला गया। जितना वो सोचता गया, उतना ही कार्य होता चला गया। बड़ी अजीब बात थी, ये तो था नहीं कि केवल एक कार्य जो सोचा वो हो गया। तो ये तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है,
एक सोचा और वो हो गया, एक सोचा था वो बोल दिया, कोई बड़ा कार्य नहीं है। लेकिन जो जो विचार हुए, जो जो मन के अंदर पैदा हुए, वो सब के सब विचारों को बोल देना वो बड़ा कठिन कार्य है। अंदर में हड़बड़ाहट हुई, रात को ही भाग लिया। क्यों? हम भी देखते हैं लोगों को, जब हमारे सामने आते हैं विचार कुछ होते हैं, जब दूर होते हैं विचार कुछ होते हैं, जब मध्य में होते हैं तब विचार कुछ होते हैं। लेकिन हम भी कुछ लोगों के विचार बोलते नहीं, कुछ के बोले वो भाग गए। इस कारण से अब हमने कुछ लोगों के विचार बोलने कम कर दिए। क्यों? लेकिन हम देखते रहते हैं बड़ी नजदीकता के साथ, और कभी कभी टोकते भी रहते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधे नहीं। क्योंकि अगर सीधा बोल दिया तो रात तो कटेगी नहीं, उसी भिक्षुक की तरह से भाग लेंगे। क्यों? कि हर कोई भागने के लिए तैयार है, सुधरने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सुधरेगा तो अपने कर्मों का, अपने विचारों का हमें बिल्कुल दूर होना पड़ेगा। जो दुविधा में फंसे हुए हैं, जो विचारों के अंदर घूम रहे हैं, जो विचारों के अंदर टूट रहे हैं, जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, वो बाहर निकल आएंगे और अपने को जान लेंगे। समय की खोज होती चली जाएगी, ध्यान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये इतना कठिन कार्य है, अपनी जटिलता को छोड़ना, अपने विचारों को छोड़ना, अपने अहंकार को छोड़ना कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन जब इसको ठेस लगती है, इस अहंकार को चोट लगती है, तो जीव छटपटाने लगता है और केवल एक ही मार्ग होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है, जो सच कहने वाला है, जो गुरु है, जो शिक्षक है, जो उस परमात्मा तक लेकर के जाने वाला है, या कोई हितेशी है जो सब कुछ सच बोल रहा है, उससे हम दूरी बना लें। अगर हम उससे दूरी बना लेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, तो फिर न कोई कहने वाला होगा, न हम सुनने वाले होंगे, न कुछ विचार होगा, न कोई दुविधा होगी। क्योंकि जब तक गुरु के नजदीक रहेंगे, वो कुछ न कुछ प्रयत्न करता रहेगा, कुछ न कुछ सुधार करता रहेगा, कुछ न कुछ उपदेश करता रहेगा, कुछ न कुछ मार्ग दिखाता रहेगा। लेकिन हम सामने आने के लिए भी भयभीत होते हैं। बड़ी आश्चर्य में बात है कि अगर हम गए तो वहाँ तो बिल्कुल सब कुछ फाइल खोल दी जाएगी और सारे जितने भी कर्म किए हैं सबका हिसाब किताब देखा जाएगा। इस कारण से हम उस समय नहीं जाएंगे जब फाइल खोली जाती है, हम उस समय जाएंगे जब फाइल नहीं खोली जाती और हंसी खिलौना और मजाक किया जाता है। क्योंकि फाइल के अंदर बड़ी गंभीर बातें लिखी जाती हैं, फाइल के अंदर आपके एक एक सांस का हिसाब लिखा जाता है, फाइल के अंदर एक एक कर्म का हिसाब रखा जाता है, जो यहाँ भी जवाबदेही है और ऊपर भी जवाबदेही है, जो हमारे जन्मों का कारण रहा है, जो हमारे इस पृथ्वी पर आने का कारण रहा है। तो वो युवक रात को ही भागा महात्मा के पास, बुद्ध के पास, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और बार बार कहने लगा कि मैं उस महिला के पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं जाओगे? उसने कहा मैं जो जो सोचता गया, मेरे मन के अंदर जो जो भाव उत्पन्न होते गए वो पूरा करती चली गई। मेरे मन के अंदर उस स्त्री के प्रति दूषित भाव उत्पन्न हुए, वासनात्मक भाव उत्पन्न हुए, काम के भाव भी उत्पन्न हुए। बहुत से लोग तो आज जो जहाँ बैठे हुए हैं वो ये ही नहीं समझ पा रहे काम क्या है, वो तो संसारिक काम को समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि काम वो ताकत है, वो परमात्मा की प्रजनन की अक्षमता है जिससे संतान उत्पत्ति होती है तथा वंश आगे बढ़ाया जाता है। इससे दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि केवल विचारों के अंदर रह गए, केवल पुस्तकों के अंदर रह गए। हमने खोजने का प्रयत्न ही नहीं किया, हमने तो केवल एक
बार बार कहने लगा मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन महात्मा बुद्ध जो जानते थे, जो अनुभवी थे, उन्होंने कह दिया था कि अब तुम्हें वही ज्ञान होगा, वही ज्ञान तुम्हें करा सकती है। क्यों? क्योंकि जहां जिस सीढ़ी के ऊपर पैर अटका हुआ है, जिस भाव के साथ अटका हुआ है, जिस कमजोरी के साथ अटका हुआ है, अगर वही दूर नहीं होगी तब तक जीव बाहर नहीं निकल सकता। एक और कारण है, जब तक बाहर निकलने का स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा तब तक तो दूसरा कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इस संसार के अंदर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर सामने जल का तालाब भरा हो और बहुत पवित्र जल हो तो कोई कहे कि ये बिल्कुल अमृत है, आप इसे चख लीजिए, वो देखता रहे, वो कहता रहे कहाँ है अमृत, कहाँ है जल, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, तो उसे कैसे निकाला जा सकता है? वो तो उस स्थिति से बिल्कुल दूर है, जो प्रयत्न करने के बाद भी निकलना नहीं चाह रहा, जो नहीं निकलना चाह रहा। अगर कोई व्यक्ति कुएं के अंदर गिर जाए और आप कुछ चाहे हजारों रस्सियां उसके ऊपर डाल दी जाए, अगर वो नहीं चाहेगा निकलना, अगर वो रस्सी को पकड़ करके बाहर नहीं आएगा, तो आप उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं? कोई कारण नहीं है, कोई किसी प्रकार से नहीं निकाला जा सकता। अगर आप उसे जबरदस्ती करके हठपूर्वक बांध करके खींच करके किसी भी तरह से अगर आप उसको निकाल भी लेते हैं, फिर वो व्यक्ति फिर दोबारा से उसी कुएं के अंदर गिर जाएगा, खुद ही स्वयं ही उस कुएं के अंदर वापिस कूद जाएगा। ये है ये प्रकृति का, मानव जहां से निकाला जाता है, हमने भी यह अनुभव किया है, जो जीव जहां से हमने उठा करके ऊपर फेंक दिया उस परमात्मा के पास, उस ब्रह्म शक्ति के पास, जो ही दूरी हुई, जो ही भाव गिरा, जो ही हमसे दूर हुआ, वो वापिस अपने उसी स्थिति के अंदर चला गया, वापिस अपने उसे गड्ढे के अंदर चला गया, शराबी शराब पीने लगा, मांसाहारी मांस खाने लगा, कामी स्त्रियों के चक्कर में घूमने लगे, जो जिस कार्य के लिए जो जहां जो कार्य करता था वो वहीं जा करके स्थित हो गया। क्यों? वो निकलना नहीं चाहते थे, हमने जबरदस्ती निकाल दिए थे, जबरदस्ती निकाल दिए, लेकिन वो चाह नहीं रहे थे। तो जब तक हम लोग इस गड्ढे से निकलना नहीं चाहेंगे, इस संसार से निकलना नहीं चाहेंगे, इन वासनाओं से बाहर नहीं आएंगे, कैसे उठ पाएंगे? कोई भी नहीं निकाल सकता, मुझे न कोई नजर आ रहा है, न कोई हुआ है, न ही कोई हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक अगर आपके सामने सूर्य प्रस्तुत कर दिया जाए और इशारा करके बोला जाए ये सूर्य है, तो भी आप कहते रहे कि नहीं ये सूर्य नहीं, ये तो चंद्रमा है, बहुत तो ज्यादा प्रकाश हो गया है और ज्यादा तेज है इसके अंदर, इस कारण से आपको ये सूर्य नजर आ रहा है, तो कैसे आप उस जीव को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ये जहां से शुरुआत हुई वहीं जा करके ठहरो, और जो जो विचार हुए उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करो और उनके साक्षी बनो, गवाह बनो, लेकिन उन विचारों में लिप्त मत हो, उन विचारों को अंदर मत आने दो, बुद्धि तक मत आने दो, केवल गवाह बनो, देखते रहो और जाओ वापस उसी युवती के पास। जो ही वो देखते हुए विचारों को आगे बढ़ा वहां पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला कब पहुंचा, कब गया, कब उसका घर आया, एक पल लगा, कोई विचार नहीं था अंदर में, अंदर में केवल समय की खोज थी, अंदर में केवल साक्षी भाव था। जा करके उन्होंने उस महिला को प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम किया तो वो कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि वो उसकी मन की साक्षी थी, जो उसके मन के अंदर
स्थिति होती है, वो ज्ञान की झलक होती है, वो बिल्कुल साफ बोर्ड होता है जिसके ऊपर अक्षर लिखे होते हैं। सामने वाला जो भी जीव आता है उसके अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, जो भाव होता है, वो संतों के मन के अंदर आ जाता है। जो इनके मन के अंदर आया तो उन्होंने बोल दिया। ये कोई बड़ा कार्य नहीं है, ये कोई ऐसी गहन विद्या नहीं है, ये कोई तंत्र का खेल नहीं है, ये कोई मंत्र की शक्ति नहीं है, ये तो केवल स्थिरता है मन की। जब जल के अंदर, सागर के अंदर स्थिर हो जाएगा जल, तभी आप उसके अंदर अपना चेहरा देख सकते हो। जब तक जल स्थिर नहीं होगा आप अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। कितना भी ताकत लगाते रहे, कितने भी कोशिश करते रहे, आप नहीं देख पाएंगे। जब तक चेहरा नहीं देख पाएंगे अनुभव नहीं हो पाएगा। आप उस ब्रह्म से, उस परमात्मा की ताकत से दूर होते चले जाएंगे। एक गोपाचू नाम का फकीर हुआ, उनके शिष्य हुए, उन्होंने कहा, गोपाचू ने कि तुम खोज करो उस परमात्मा की, उस ब्रह्म के विषय की। उन्होंने परमात्मा के विषय के ऊपर, गोपाचू ने कहा कि तुम तलाश करो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसा दिखता है, कब से है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उन्होंने छोड़ दिए। शिष्य तलाश में चला और वो तलाश करने लगा प्रश्नों की। किसी न किसी प्रकार से पहले आया, शब्दों में उत्तर देने लगा, पुस्तक लिख करके लाया, उस पुस्तक को पढ़ पढ़ करके वर्णन करने लगा। उपाध्याय मुस्कुराया और उसको भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से और दिखाई नहीं देना जब तक उत्तर नहीं मिले। हमारी तरह से शिष्य नहीं थे कि बिना भगाए ही भाग रहे थे, वो ऐसा शिष्य था जो जानने के लिए आया था। ऐसे शिष्य की सबको तलाश होती है, जो जानने के लिए आता है, जो खोज के लिए आता है, जो परमात्मा के लिए आता है, जो ज्ञान के लिए आता है, जो समय की तलाश के लिए आता है, जो ब्रह्म के लिए आता है, जिसके अंदर समर्पण का भाव हो, जो सब कुछ गुरु चरणों में अर्पण कर चुका हो, ऐसे शिष्य की सबको तलाश होती है, किसी की पूरी होती है, वो इसी तरह से चला जाता है। हमें भी है इस प्रकार के शिष्य की तलाश, लेकिन अभी तक तो हमें मिला नहीं। लेकिन तलाश जब तक इस धरा पर है, हम तलाश करते रहेंगे, कभी न कभी तो पूरी जरूर होगी, कहीं न कहीं तो प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो वो बोलता रहा, उन्होंने भगा दिया, फिर वापस आया। अब की बार लिखा कुछ भी नहीं था, केवल शब्दों का उच्चारण था, केवल बुद्धि तक, केवल ज्ञान तक, केवल जो संचय हो सका बुद्धि के अंदर वही इकट्ठा करके लाया था। वो बोलने लगा, उन्होंने कहा भाग जाओ, ये भी उत्तर नहीं है। वो फिर चला गया, फिर आया वापिस। अब की बार कुछ ही शब्द शेष थे, लेकिन बोल रहा था। आया और कुछ शब्द बोले, लेकिन गोपाचू ने फिर उसे भगा दिया कि भाग जाओ, ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो भी बार बार प्रयत्न कर रहा था, बार बार खोजने की चेष्टा, और कुछ दिन रहता और फिर वापिस उत्तर ले करके आ जाता, फिर भगा दिया जाता, फिर उत्तर ले करके आ जाता। क्यों? क्योंकि उसे सत्य की भूख थी, उसके अंदर प्यास थी, उसको पाने के लिए, उस ज्ञान की जो इस सृष्टि के रोम रोम के अंदर समाया हुआ है, जो आप सबके अंदर विराजमान है, उस तत्व की खोज चाहता था। संसार की नहीं, वासनाओं की नहीं, परिवार की नहीं, सबसे ऊपर उठ करके समय की तलाश के लिए आया था। जो समय की तलाश के लिए आता है,
से चाहे 1000 बार भी बुला दिया जाए वो भागेगा नहीं, लेकिन जो स्वार्थ के साथ आता है उसके साथ अगर हंसी मजाक भी कर दिया जाए वो वापिस लौट करके नहीं आता। कारण क्योंकि वो इसी कारण के साथ आया था, वो केवल सीमित विचारों के साथ आया था, वो जानने के लिए नहीं आया, वो केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए आया था, केवल संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए आया था, वो ज्ञान की चाहत के लिए नहीं आया था, वो ज्ञान का पिपासु नहीं था। जो ज्ञान का पिपासु होता है, जिसके अंदर ज्ञान की प्यास होती है, लगभग असंभव है यहाँ से जाना। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा ने ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसका ज्ञान न कराया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जो ब्रह्म ने दिखाया न हो, ऐसी कोई ताकत नहीं जिसका अनुभव न कराया हो। जो जीव जहाँ जिस मार्ग से जहाँ पर भी खड़ा होगा वहीं से शुरू हो जाएगा, उस ब्रह्म तक, उस परमात्मा तक, उस चेतना तक पहुँचता चला जाएगा। लेकिन अगर हम स्वार्थ के लिए आए हैं फिर यहाँ कितना असंभव है। क्यों? क्योंकि ये तो आग है, जो ही नजदीक लगोगे तेज उत्पन्न होगा, लपटे उठेंगे और भागने लगोगे कि हम भी जला दिए, हम भी जला दिए। क्यों? क्योंकि मेरा तो कार्य अपने जैसा बनाना है। जब तक जीव मेरे जैसा नहीं बनेगा, हमारे जैसा नहीं होगा, उस ब्रह्म की तलाश पूरी नहीं होगी, तब तक यहाँ ठहर नहीं पाएगा, कच्चा ही रह जाएगा। जो ही परख होगी, जो ही देखा जाएगा कच्चे और पक्के को, जो पक्का होगा वो ठहर जाएगा, तो जो कच्चा होगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, छटपटा करके संसार के अंदर वापिस लौट जाएगा, घूम करके वही का वही सत्य हो जाएगा जहां से उठ करके आया था। क्योंकि उस परमात्मा ने इतनी ताकत दी होती है कि वो परख सके, वो देख सके, वो अनुभव कर सके, अनुभव करा सके और योग्य की तलाश कर सके। जब समय आता है तो योग्य भेजता भी चला जाता है, और जब तक योग्य नहीं आते तो तलाश चलती चली जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत अनूठा खेल चल रहा था, वो बार बार भगाया जा रहा था, वो उत्तर लेकर के वापिस आए जा रहा था। शब्दों का खेल बंद हुआ, शयन और बैन की बात आती है। शयन वाणी को कहते हैं और बैन इशारे को, तो वाणी और इशारे का जो खेल चल रहा था, ये जो ताकत चल रही थी, तो वो जो सवाल किए थे पहले तो शब्दों के अंदर उत्तर दे रहा था, फिर इशारे करने लगा परमात्मा कैसा है, उन्होंने आया और इस तरह से इशारे करने लगा, कभी मुट्ठी बंद कर लेता, कभी खोल लेता और फोका जो देखता रहता वो फिर भगा देता, बार बार भगाता रहता। फिर हाथों की क्रियाएं बंद हुई, फिर नेत्रों से इशारे करने लगा, गर्दन से इशारे करने लगा, फिर भगा देता। लेकिन अब की बार भगा दिया गया कि भाग जाओ, जब तक उत्तर नहीं मिले वापिस लौट करके नहीं आना। अब की बार वो भी चला गया, कुछ दूर गया कुटिया के और बैठ गया ध्यान के अंदर। बहुत दिन हो गए वापिस नहीं लौटा, बैठा रहा ध्यान के अंदर, जो मिलता ग्रहण कर लेता, नहीं तो ध्यान के अंदर। अब भोकाजू को छटपटाहट हुई। क्यों? क्योंकि जिसकी जो वो चाह रहा था, उन्होंने कहा कि उसकी तलाश करो शिष्य की, उन्होंने कहा कि उसकी क्या तलाश करनी, वो तो नजदीक ही बैठा हुआ है एक वृक्ष के किनारे, शायद कुछ और खोज रहा हो। सबके सब मुस्कुरा रहे, देख रहे कि आज फिर डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो और तरह के लोग होते हैं वो केवल दूसरे के ऊपर जब डांट पड़ती है तो मुस्कुराते हैं, तो खुश होते हैं, अंदर से उनका मनोरंजन हो जाता है और स्वार्थ पूर्ति हो जाती है, और जो अंदर भावनाएं भी वो पूरी होने लगती हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे गुरु की जो डांट होती है,
गुरु की जो फटकार होती है, गुरु का जो शब्द होता है, गुरु की जो मार होती है वो अलग ही होती है, वो सिखाने के लिए होती है। जिस जीव पर गुरु कृपा करते हैं, जिस जीव के ऊपर गुरु मेहर बरसाते हैं, जिस जीव के ऊपर गुरु की नज़र होती है, वहाँ के लिए प्रेम नहीं होता, वहाँ के लिए दिखावा नहीं होता। वहाँ तो गुरु प्रेम भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, खेलते भी हैं, हंसते भी हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, रूठते भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ छल कपट कुछ नहीं होता। इस छल से ऊपर उठ करके, इस संसार से ऊपर उठ करके, इन शरीरों से ऊपर उठ करके, इन मर्यादाओं से ऊपर उठ करके उस प्रेम की तलाश हो जाती है जो उस परमात्मा तक ले करके जाता है। गुरु शिष्य का बड़ा अद्भुत प्रेम होता है। माता पिता के प्रेम में भी कहीं स्वार्थ हो जाता है कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, जब मेरा शरीर कार्य नहीं करेगा, तब मेरी संतान मेरा पालन पोषण करेगी और मेरी देखभाल करेगी, मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मेरा नाम आगे बढ़ेगा और संसार के अंदर मेरा यश फैलेगा। लेकिन गुरु ये चाहता है कि जो मेरा शिष्य है ये मेरी ही तरह से हो। तो गुरु और शिष्य का बड़ा अद्भुत और अनूठा प्रेम होता है, इसको कोई नहीं समझ सकता। जो शिष्य बन गया, जो पूर्ण रूप से समर्पण हो गया, जो गुरु चरणों के अंदर चढ़ गया, मुख से बोलने से नहीं कि मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, नहीं, आपने सब कुछ अपना बचा करके रखा है, आप केवल मुख से बोल रहे हैं। आप जब भाव से बोलेंगे, कुछ लोग आकर के कहते हैं क्या गुरु जी आप मेरे प्रश्नों के आपके पास कोई उत्तर नहीं है, मैं भी सोचता चला जाता हूँ शायद इस संसार के अंदर ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं हो जिसके नीचे हम उत्तर न लिख सकें। अगर हम न लिख पाए तो वो ब्रह्म, वो परमात्मा जरूर लिख देगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका वो उत्तर न दे सके। लेकिन जो वासनाओं की पुतलियां हैं, जो वासनाओं के अंदर फंस गए हैं, जो वासनाओं के अंदर डूब गए हैं, जो मोह के अंदर डूब गए हैं, जो संसार के प्रेम को प्रेम मान लिया, जिन्होंने शरीरों के प्रेम को प्रेम मान लिया, जिन्होंने शरीरों के संबंध को संबंध मान लिया, जिन्होंने शरीरों के जुड़ाव को प्रेम मान लिया, जिन्होंने इस संसार के चार इकट्ठे लोगों को परिवार मान लिया, वो उस ब्रह्म को, उस प्रेम को नहीं समझ सकते, उस निष्कामता को नहीं समझ सकते, उस ज्ञान की चरम सीमा को नहीं समझ सकते, वो सोच भी नहीं सकते क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन हमने संसार के अंदर इस एक वर्ष के अंदर तह तक जा करके देखा है, खोज खोज करके देखा है, एक एक जीव को झुंझोड़ झुंझोड़ करके देखा है। जो हमने सार मिला वो आप लोगों के बीच बखेर दिया गया। हमने ये देखा है लोग बोल पूछ रहे हैं, दिख पूछ रहे हैं, कह पूछ रहे हैं, वर्णन कुछ हो रहा है, कथनी करनी और रहनी तीनों बिल्कुल ही एक नहीं है, बिल्कुल दूर। हमें अब तक ऐसा कोई जीव मिला नहीं जिसकी कथनी करनी और कहनी एक हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्रभाव, बहुत ही माया का खेल है। जीव जो शब्द बोलता है वहाँ रुक नहीं पाता, अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं कर पाता। हम केवल दूसरों की कमियां खोजना जानते हैं, हम केवल दूसरों की कमियां देखना जानते हैं, हम केवल दूसरों की कमियों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना जानते हैं, हम अपनी कमियां सुनना भी पसंद नहीं करते। अगर हम आपकी कमियों का वर्णन करने लगेंगे तो भागने शुरू हो जाते हैं, छटपटाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमने भी तह तक जा करके देखा है, हमने भी ये विचार किया है कि जो भागना है वो तो भागेगा ही, आज नहीं भागेगा तो 10 साल बाद भागेगा। क्यों नहीं भागने वाले जीव को आज ही भगा दिया जाए, 10 साल तक क्यों इंतजार किया जाए? क्यों? क्या पता जो उसको समय मिल रहा है वो किसी ऐसे पात्र जीव को समय मिले
प्रकट हो जाए, उसे ज्ञान हो जाए, कितना लाभ होगा उसे उस समय का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हम बिल्कुल सीधा बोलते हैं, जो जो कमियां हैं या तो दूर करो या हमसे दूर हो जाओ, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर एक मयान के अंदर दो तलवार होंगी तो कैसे किस प्रकार से होगा, या तो वो तलवार ही नहीं है या फिर वो मयान ही नहीं है। एक मयान के अंदर तो एक ही तलवार आ सकती है, या तो आपके अंदर कमियां रहेंगी या फिर हम रहेंगे। हृदय के अंदर दो चीज एक साथ नहीं आ सकती, कमियां भी और परमात्मा भी एक साथ दो कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल असंभव है। या तो आपके हृदय के अंदर परमात्मा का वास होगा, उस ब्रह्म का वास होगा, गुरु का वास होगा, या आपके अंदर कमियां होंगी, दो ही वस्तुएं एक साथ बिल्कुल असंभव है। तो मैंने ऐसे जीवों को देखा है जो संसार के लिए छटपटा रहे हैं, और आपको ये नजर आ रहा है कि उनकी तो स्थिति बहुत ऊंची है, वो तो परमात्मा के लिए रो रहे हैं, वो तो ज्ञान के लिए रो रहे हैं, लेकिन आप नहीं जान सकते, वो तो मोह में बंद करके केवल एक दूसरे के शरीर के अंदर से रो रहे हैं, केवल शरीरों के अंदर रो रहे हैं। बड़ा अजीब खेल चल रहा है संसार का, आपकी सोच से परे, आपके समझ से परे, बुद्धि से परे, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि जो जीव पकड़ेगा वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा, अलग पहचान हो जाएगी, अलग शब्द की मार हो जाएगी। जिस जिसको उस शब्द की प्राप्ति हुई, जिस जिसको उसकी जिस जिस जीव ने उसको रटा है, उसने कुछ न कुछ पाया है। लेकिन बहुत जीव ऐसे हैं जिन्होंने पा करके उस सूत्र को जो दिया गया था, जो ताकत उन्हें प्रदान कर दी गई थी, वो एक दिन भी संभाल न पाए, क्योंकि उस ताकत को संभालना कोई आसान कार्य नहीं है। दे दिया जाए तो उसे रखते नहीं, क्योंकि कुछ जीव हैं जिनके पास है नाम मात्र के, जिन्होंने संभाल करके रखा है, जिन जिन को दिया है उन्होंने डुबो दिया है, उसको भुला दिया है, उसको शक्तिहीन कर दिया है, शरीरहीन कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं, क्यों जैसे थे वैसे ही हैं। तो फोकस खोजता हुआ चला और पहुंचा उसके पास। अब शिष्य को किसी का भी भान नहीं था, किसी का भी ज्ञान नहीं था, वो तो ध्यान में मस्त था। गोकर्ण उसके सामने खड़ा, लेकिन वो अपने ध्यान के अंदर बैठा हुआ था, दिखावे के लिए नहीं कि गुरु जी सामने खड़े हैं और मैं ध्यान लगा लूं, ऐसा नहीं था। घुसटे की तरह से नहीं कि गुरु सामने खड़ा है और उन्होंने आंखें बंद कर ली तो फिर बिल्कुल उसी तरह से होगा, लेकिन जो असली चल रहा था, जो अंदर में खेल चल रहा था, जो अनुभव चल रहा था, वो ताकत थी, वो ज्ञान था, इसका वर्णन हो रहा था। तो उन्होंने उसको झिझोड़ा और ध्यान से जगाने की कोशिश करी। जो ही ध्यान से जगे, हल्की हल्की आंखें खुली, क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें अनुभव होगा, जो लंबा ध्यान करते हैं, ये नहीं हम देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान कर रहे हैं, 5 मिनट बैठे इस तरह से बिल्कुल फॉर्मेलिटी की कि हमने 10 मिनट रट लिया राम को। अरे कैसे रट लिया, कहाँ रट लिया, कब रट लिया, हमें तो एक पल भी नजर नहीं आता कि आप कब रट रहे हैं। आप जब 10 मिनट बैठे होते हैं तब भी कोई कपड़े सिल रहा होता है, कोई कपड़ों के अंदर घूम रहा होता है, कोई शॉपिंग कर रहा होता है, कोई मॉल के अंदर डोल रहा होता है, कोई कहीं देख रहा होता है, कोई अजीब तरह के लोग हैं, कोई संसार को देख रहा होता है। मुझे तो कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो बैठे तो ध्यान के ऊपर हैं, लेकिन अपनी भैंस को दूह रहे हैं, अपनी भैंस का दूध निकाल रहे हैं। बड़े भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, इससे अच्छा तो क्यों ना दूध निकाल लिया जाए। कुछ इस तरह के भी लोग देखे हैं,
वही बोलता चला जाता हूँ। बहुत तो लोग बड़ा आश्चर्यमय खेल है, कुछ लोग इस प्रकार से हमने देखे हैं कि अभी ध्यान से उठेंगे और धूम्रपान करेंगे, बड़ा अजीब बात है, पहले कर ले फिर बैठ जाना, बड़ा अजीब तरह का संसार चल रहा है, कोई कुछ भी ध्यान नहीं कर रहा है, केवल संसार के अंदर डोल रहे हैं, खेल रहे हैं, करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़ा अजीब सिस्टम चल रहा है। और बोलते हैं कि हम तो पात्र हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हम पात्र नहीं हैं। मुझसे ये इतना गंभीर सवाल किया गया, कितना गंभीर सवाल होगा, आप इसको तोड़ना, सोचना, विचार करना। हे गुरु जी, क्या हम पात्र नहीं हैं? क्या योग्य नहीं हैं उस परमात्मा के? लेकिन अंदर देखिए क्या चल रहा है, एक पुरुष का खेल चल रहा है, वो विपर पुरुष का, दूसरे पुरुष का भाव है, उस पुरुष के भाव के साथ युद्ध करके प्राण छोड़ने को उतारू हो गया है, लेकिन समझ नहीं पा रहा, अजीब खेल चल रहा है, बिल्कुल भाव ही दूसरा चल रहा है, पकड़ से दूर, ज्ञान से दूर, और अपने आप को पात्र प्रस्तुत करने के लिए बोल रहे हैं, बड़ा अद्भुत खेल। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं। फिर सवाल आता है कि क्या मेरे प्रश्नों का आपके पास उत्तर नहीं है? तो प्रश्नों के तो हर प्रश्न का उत्तर है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर न हो, लेकिन शायद आपके प्रश्न ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो बोलने के योग्य ही नहीं, क्योंकि आप अपनी मर्यादा को भंग कर रहे हैं, आप अपनी मर्यादा को पार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है कुछ और सब कुछ जानने वाले के लिए क्या प्रस्तुत कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, कहाँ खेल चल रहा है? बड़ा, मैंने तो एक और खेल देखा, बड़ा तह तक जा करके, बड़ा गहराई तक जा करके, रिश्ते नातों तक का खेल। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे कई बार रुका नहीं जाता, मैं बोल ही देता हूँ। रिश्तों नातों के अंदर भी इतना कुछ ऐसे पवित्र रिश्ते जिनके ऊपर विचार भी नहीं हो सकता, जिन तक लोगों की सोच भी नहीं हो सकती, जिनके वो भी रिश्ते संसार के इतने डूब गए हैं, उन रिश्तों को माध्यम बना दिया गया है वासना की पूर्ति का, सोचते रह जाते हैं। आप बाहर निकल के इन वस्तुओं से कहाँ खो गए हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, कहाँ विचार कितने घृणित होते चले गए, अगर आप नहीं उठ पाए तो डूबते चले जाएंगे संसार के अंदर। पात्र तो दूर है, आप तो अपात्र भी नहीं, आप तो कुपात्र हो गए हैं। कहाँ जो मैंने कुछ दिया था वो कहाँ खो दिया आपने, कहाँ चला गया आपका सब कुछ तेज, कहाँ चली गई उसकी शक्ति ब्रह्म सूत्र की, कहाँ? क्या मैंने आपको यही सिखाया था, क्या मैंने आपको यही दिशा दी थी? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो अलग ही रास्ता दिखाया था, हमने तो निष्काम प्रेम की दशा दी थी, हमने तो उस ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयत्न किया था, लेकिन आप दूसरी दिशा में चले गए। तो जो जहाँ अटका है वहाँ से खुलने का प्रयत्न कीजिए, जागने का प्रयत्न कीजिए, बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि बिना प्रयत्न के वहाँ से उठा नहीं जा सकता, वहाँ से निकला नहीं जा सकता। आप कितना भी दिखावा करते रहे लेकिन खुद से कैसे छुपा पाएंगे, उस ब्रह्म से कैसे छुपा पाएंगे, जिसको उस परमात्मा ने वो दृष्टि दी है उससे कैसे छुपा पाएंगे? आप इसी तरह से रहिए जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, एकांत में इसी प्रकार से रहिए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो निष्काम प्रेम हो जाता है। खेलते रहिए, चाहे किसी प्रकार से मारा मारी भी हो, गाली गलौज भी हो, कुछ भी होता रहे, प्रभाव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ निष्कामता है, वहाँ वासना है ही नहीं, क्योंकि जितना भी खेल चल रहा है वासनाओं का चल रहा है,
न खड़ा हुआ, न कोई प्रणाम किया, न कोई मर्यादा थी, सब कुछ दूर था, सब कुछ ऊपर उठ चुका था। ओकाजू देख रहा और मुस्करा रहा, नजरों में नजरें पड़ी और देखते रहे दोनों। न वो झुक रहा, न वो झुक रहा, क्यों? क्योंकि न आज गुरु बचा था, न आज शिष्य बचा था, दोनों ब्रह्म हो गए थे, दोनों का एकाकार हो गया था। ओकाजू ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। जो ही गले से लगाया, उसे थोड़ा होश आया और आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, झरझर आंसू गिरने लगे। फिर न कोई सवाल था, न कोई प्रश्न था, न कोई उत्तर था। तो इसी प्रकार से जब तक हम खोजते रहेंगे, इनका प्रयत्न करते रहेंगे, ध्यान पर किसको क्या दिखाई देता है, एक दूसरे से उत्तर मिलाने का प्रयत्न करते रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम दूर हटते चले जाएंगे उस ज्ञान से, तो बुद्धि के अंदर कुटिलता आती चली जाएगी, बुद्धि के अंदर विचार पैदा होते चले जाएंगे और हम उस ब्रह्म से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन जो समझने वाले होते हैं, उन्हें बोलने बिना बोले भी सब कुछ समझ लेते हैं। एकनाथ महाराज, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनकी बहुत दूर तक ख्याति फैली हुई थी, उन्होंने बिल्कुल कोरा पत्थर भेज दिया निवृत्तिनाथ के पास, बिल्कुल कोरा पत्थर। निवृत्तिनाथ ने देखा और इस तरह से देखता रहा, देखते देखते बहुत गंभीर हो गया, बहुत गंभीर हो गया। इतना गंभीर मुख से कोई शब्द नहीं निकला, केवल कोरा पत्थर था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उनके पास ही मुक्ताबाई बैठी हुई थी, जो ही उन्होंने कहा कि मुझे दिखाइए ये पत्थर, उन्होंने पत्थर जो ही लिया था, उन्होंने अपने सामने वो पत्थर किया कि झरझर आंखों से अश्रु बहने लगे। वो अनुभव कर चुकी थी जो उसके अंदर चल रहा था। क्यों? क्योंकि जब जागृति होती है, जब एक मन हो जाता है, जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी अवतार हुए, जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी ऊंची सृष्टि के हुए, चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी स्थान पर पैदा हुए हों, कहीं भी रहे हों, कहीं भी ज्ञान हुआ हो, जब उन्हें ज्ञान हुआ, सबकी बुद्धि एक ही हो गई, निर्विचार निर्विचार निर्विचार। वहां कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई वर्णन नहीं। जब तक वर्णन है, तब तक बुद्धि का खेल है। तो जो समझने वाले होते हैं, वो तो बिना कुछ बोले ही समझ जाते हैं। तो जो नए समझने वाले होते हैं, चाहे कितना भी बोलते रहो, कितना भी कोशिश करते रहो, कोई नहीं समझ पाता। तो जो ध्यान का विषय है, ये अवर्णनीय विषय है, इसे वैसे भी अनजान के सामने नहीं बोलना चाहिए। जो ध्यान नहीं लगाता, जिसके अंदर श्रद्धा की कमी है, जिसके अंदर भाव की कमी है, जिसके अंदर प्रेम की कमी है, जिसके परमात्मा के ऊपर से विश्वास उठ गया, जिसके गुरु के ऊपर से विश्वास उठ गया, वहां नहीं बोलना चाहिए। एक जीव ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, हे प्रभु आप मुझे सुझा दीजिए, आप ही मुझे सुझा सकते हैं। हमने कहा कि आप सुलझना ही नहीं चाहते, जो खुद नहीं सुलझना चाहे, उसे इस संसार के अंदर कोई नहीं सुलझा सकता। उन्होंने कहा दूसरा प्रश्न कि गुरु की पहचान कैसे हो, हमने वही उत्तर दिया जो पिछले प्रवचन में दिया गया था कि जब स्वयं की पहचान हो जाएगी, जब उस ब्रह्म की पहचान हो जाएगी, तो गुरु की पहचान हो जाएगी। उन्होंने कहा स्वयं कौन, हमने कहा बस आप गुरु की तलाश कीजिए, आपने अति प्रसन्न किया है। क्योंकि जब गुरु से भाव उठ जाता है, जब गुरु के ऊपर से शंका पैदा होने लगती है, जब गुरु के अंदर संशय पैदा होने लगता है,
वहाँ गुरु शिष्य का नाता नहीं कहता, वहाँ तो समान नाता हो जाता है, वहाँ तो बात बराबरी किया जाती है। तो बराबर वाले को कभी ज्ञान न कोई करा सकता है, न कोई कराएगा, न ही हुआ है। क्यों? क्योंकि तो बराबर वाला तो सब कुछ जानने वाला होता है, सब कुछ जानता है, अंदर के अंदर उस जो गुरु जानता है वो मानता है मैं भी वही जानता हूँ, तो उसे कैसे सिखाया जा सकता है। जो सब कुछ सीख चुका होता है उसे संसार के अंदर कोई नहीं सिखा सकता। जो बड़ा भर जाता है उसके अंदर कुछ नहीं डाला जा सकता, जो बड़ा रिक्त है उसी के अंदर कुछ डाला जा सकता है, जो पहले ही भर गया होता है। क्यों? क्योंकि गुरु की तलाश बड़े मुश्किल कार्य होता है। गुरु अगर सामने भी बैठा हो, बोल भी दे कि मैं इस जन्म के गुरु हम हैं तुम्हारे, तो बहुत जन्मों से हम तुम्हारे गुरु रहे हैं, तो भी यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक दर दर की ठोकरें नहीं लगेंगी, जब तक हम तलाश नहीं करेंगे, जब तक अनुभव नहीं होगा, इस बुद्धि के अंदर विचार कम नहीं होंगे, संशय को ज्ञान रूपी तलवार से नहीं काटा जाएगा, ध्यान नहीं किया जाएगा, ब्रह्म की ओर नहीं बढ़ा जाएगा, विश्वास नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, वहाँ गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। वहाँ तो मित्र की प्राप्ति हो सकती है, साथी की प्राप्ति हो सकती है, बराबर वाले की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। जब गुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो हरि की प्राप्ति हो जाएगी। मैं बहुत बार बोलता हूँ, जिसने गुरु को प्राप्त कर लिया, जिसने गुरु को जान लिया, उसे ब्रह्म को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जिसने गुरु को जान लिया उसने स्वयं को जान लिया, जिसने स्वयं को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। तो आप स्वयं की खोज करने की कोशिश कीजिए। स्वयं का अर्थ इस आत्मा से है जो आपके अंदर विराजमान है, इस बुद्धि से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, इस मन से नहीं है, इस अहंकार से नहीं है, इन वासनाओं से नहीं है, इन शरीरों से नहीं है, इस मांस मज्जा से नहीं है, उस आत्मा से है जो रोम रोम के अंदर अमन कर रही है। तो आप स्वयं हो उसकी तलाश कीजिए। जो जिस प्रकार से, जो जिस भाव से तलाश करेगा, वो जो जहाँ से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा वो वहीं से उठता चला जाएगा, और जो जहाँ खड़ा है वहीं संतुष्ट हो जाएगा, तो फिर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आप जितना भी करेंगे ध्यान के साथ, जिस प्रकार से भी करेंगे उसी प्रकार से आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि वो किसी का रखता नहीं। जो अच्छा करता है उसे अच्छा लौटा देता है, जो बुरा करता है उसे बुरा लौटा देता है, और जो न अच्छा करता है न बुरा करता है, जो खुद को करता ही नहीं मानता, जो केवल निष्कामी है उसको न कुछ देता है उसे न कुछ लेता है, क्योंकि वो न देने वाला होता है लेने वाला होता है। तो आप उस प्रकार से बनिए, बिना बोले ही समझने का प्रयत्न कीजिए। फिर भी अगर बोलने के बाद भी अगर आप समझ लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी प्रकार से, किसी रास्ते से भी पहुंचने का प्रयत्न कीजिएगा, जो जहां से पहुंचेगा वो वहीं से पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जब उठना होगा, जब पहुंचना होगा, वहाँ बहुत जोर लगेगा, वहाँ बहुत बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, वासनाओं को क्षीण करना पड़ेगा, और समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण सबसे बड़ी यात्रा है, सबसे पहला कदम है उस यात्रा का, उस अनंत की यात्रा का। जब तक पहला कदम ही नहीं उठेगा तो मंजिल कैसे प्राप्त होगी? तो आप पहला कदम उठाने का प्रयत्न कीजिए, और एक दूसरे की स्थितियों के अंदर साथ साथ मत कीजिए, और एक दूसरे की स्थितियों के अंदर मत अटकिए, मत भटकिए। क्यों? क्योंकि वो तो बढ़ता चला जाएगा और आप नीचे जाते चले जाएंगे। तो आप अपना
लिए और खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप समय उठोगे, समय बढ़ोगे, समय प्राप्त करोगे, तभी आप जीवन मुक्त हो सकोगे। और आप जिस रास्ते से चलोगे पहुंचा दिए जाओगे। तो आप भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, निर्दय कीजिए, किसी भी रास्ते से जाइए, लेकिन जाइए जरूर, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं हासिल होगा। यहाँ से तो फिर हम वापिस वहीं जा करके वहीं अटक जाएंगे और फिर संसार के अंदर, माया के अंदर, प्रपंच के अंदर फिर डूबते चले जाएंगे। तो आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर